उसके बाद फोन नंबर और फिर तो लव शब्द है कोका कोला। छोटी हो या बड़ी, हर खुशी में कोका कोला। घर से बाहर निकल पड़े तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं। जैसे मनाली जाकर पता चला कि पापा रॉक का शौक भी फरमाते हैं। काव्य और रोहन में असली टाइगर कौन है, ये बात चुटकी में क्लियर हो जाती है। तो राहों की उंगली थामो और निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। पानी ये तो परमात्मा का प्रसाद है, पानी पारस की तरह होता है, पानी के स्पर्श से सोना पड़ता है, और इसलिए उस पानी का हम महात्मा समझे, उस पानी पर बल दें, मेरे किसान को बल मिल जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। ऑपरेशन हवाला फॉलोअप एक बहुत ही गंभीर विषय है देश के लिए, कि किस तरीके से एक मीट कारोबारी सियासी संरक्षण के साथ एक लंबा चौड़ा कारोबार कर रहा था। फैक्ट शीट्स अगर उसकी देखें तो इतना पैसा कहां पर जा रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, कांग्रेस के चार बड़े वरिष्ठ मंत्रियों का है, बड़ा खुलासा हुआ है, बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया है। जांच करने की बात नरेंद्र मोदी ने की है, लेकिन कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है, कह रही है कि देख लेंगे, अभी आरोपों में दम नहीं दिखता है। लेकिन ये मामला निश्चित तौर पर देश की एकता, संप्रभुता और देश की स्थिति के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया है। स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अजय वर्मा, वरिष्ठ नेता कांग्रेस की ओर से, सतीश महाना हमारे साथ कांग्रेस से, आशुतोष मिश्रा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके अलावा दिल्ली से दरबार गांगुली एडिटर मिलेनियम पोस्ट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन तमाम बातों पर पूरा घटनाक्रम बताने के लिए किस तरीके से एक्शन लिया जाना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भारत में क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्थिति होती ना तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता की कमी है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट यह है कि सीबीआई के अजीत पूर्व निदेशक का नाम सामने निकल कर आया। इन्होंने मोइन कुरैशी से इनके रिश्ते साझा हो गए, इन्होंने एजेंसी की विश्वसनीयता पर गढ़े सवाल, जो गंभीर सवाल है, वो खड़े कर दिए हैं। सीबीआई से मोइन के रिश्ते कितने गंभीर थे, उस पर देखिए रिपोर्ट। मीट एक्सपोर्टर को सीबीआई के साथ इतना क्या काम था कि बार बार डिफरेंट केसेस लेके पुराना और नया अध्यक्ष से मिलने आते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बड़े घोटालों में आरोपियों को बचाने के लिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई का वो निदेशक एक मीट एक्सपोर्टर के साथ मिलकर काम करता था। ये खुलासा इस बात को साफ करने के लिए काफी है कि सीबीआई बड़े रसूखदारों और राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बन गई है। सीबीआई इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज द लास्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री विच गिव्स होप एंड कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ पीपल दैट कि पावरफुल लोगों को ये फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ते हैं, और उन्हीं का डायरेक्टर और उनका डायरेक्टर इस मिडलमैन के थ्रू से बहुत सारे केसेस सेटल कर रहे थे। ये एलिगेशन, इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन फॉर द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट लाख आलोचना कर ले, मोइन कुरैशी मामले से साफ है कि सीबीआई ने कोई सीख नहीं ली है। बल्कि गलत नहीं होगा अगर कहा जाए कि देश की ये सुप्रीम जांच एजेंसी अब सत्ता के दर पर मत्था टेके नजर आती है। मोइन कुरैशी के मामले से ये साफ होता है कि एक कारोबारी न सिर्फ आय से कहीं ज्यादा संपत्ति बनाता है, बल्कि सीबीआई निदेशक जैसे सरकारी अधिकारी के नुमाइंदे के तौर पर उनके लिए बड़ी संपत्ति भी इकट्ठा करता है। इस एक सीबीआई डायरेक्टर के एक बेटी पेरिस में रहते हैं, जो सो कॉल्ड एक्सपोर्ट ज्वेलरी का एक्सपोर्ट का काम करते हैं। एक लड़की इस देश का एक फेमस फाइव स्टार होटल जिसमें एक बहुत ही पावरफुल दामाद का इन्वेस्टमेंट है बोला जाता है, उस होटल का एक सर्विस अपार्टमेंट में रहते हैं। इनके साथ कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा हस्ती मिस्टर पॉन्टी चड्ढा, उनके बहुत ही करीबी संबंध था। डॉक्यूमेंट्स जो आया है उसमें क्लियरली दिखा जा रहा है कि मिस्टर पॉन्टी चड्ढा के एक पंजाब के एक प्रोजेक्ट में इन्होंने डायरेक्टर भी रहा। छतरपुर में इनके जो फार्म हाउसेस हैं वो बहुत ही रंगीन फार्म हाउसेस हैं, वो भी पॉन्टी चड्ढा के फार्म हाउस के बगल ही में आसपास है। आयकर विभाग के छापों और उसकी जांच ने बड़े घपले घोटालों के ऐसे दुष्चक्र को लाकर सामने खड़ा कर दिया है, जिसमें दुबई में विदेशी बैंक खातों और संपत्ति के जरिए बड़ा लेन देन होता रहा। ये पूरा मामला उस कहावत पर खरा उतरता है
कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब खुद सीबीआई निदेशक ही घोटाला करने लगे तो जांच कौन करे और सजा कौन दिलाए। सीबीआई ऑफिस में मोइन कुरैशी काफी बार गए हैं। ये भी हम रिपोर्ट में लिखे थे कि उस पूर्व डायरेक्टर के रिकमेंडेशन पे उन्होंने प्रेजेंट डायरेक्टर मिस्टर रंजीत सिन्हा से भी मिलने आए थे सीबीआई ऑफिस में। छापों में मिले दस्तावेजों से 2G कोयला घोटाले जैसे कई संवेदनशील मामलों में कुरैशी की जो भूमिका सामने आई है और दुबई अकाउंट से जितनी बड़ी राशि के लेन देन से पर्दा उठा है, उससे साफ होता है कि इस दागी कारोबारी के साथ देश के कई सफेदपोश और ताकतवर नौकरशाहों का गठजोड़ काम कर रहा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो एजेंसी खुद गर्दन तक भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी हो, उससे घोटालों की निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इस सवाल का जवाब शायद सुप्रीम कोर्ट की एजेंसी पर दी गई उस टिप्पणी में मिल जाता है जिसमें कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कहा था। ये ऐसा तोता है जो कई हाई प्रोफाइल मामलों में बड़े बड़े लोगों का नाम तो ले लेता है, लेकिन बाद में दबाव के आगे वही बोलता है जो रटाया जाता है। यानी सीबीआई या तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है या उन बड़े नामों को क्लीन चिट दे देती है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो आज की सरकार है, यूपीए सरकार, वो इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन समय है और इस समय पॉलिटिकली काफी एम्बैरेसिंग हो सकता है ये घटना। ऐसे में देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी की विश्वसनीयता कैसे बचेगी, ये सोचना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो सबसे पहले बात हम आशुतोष मिश्रा जी से कर लेते हैं। आशुतोष जी, अभी जब हम रिपोर्ट दिखा रहे थे तो आप चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से कुरैशी एक चैनल बना और पॉलिटिशियन ने मनी अपनी डाइवर्ट करी, मनी लॉन्ड्रिंग का काम हुआ, उसके एवज में उसे सियासी संरक्षण दिया गया, रातों रात वो अरबपति बन गया और अब आईटी के पास इतने महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका खुलासा अगर हो जाए तो देश में बवंडर की स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वैश्विक स्तर पर अगर बात करूं, अभी भारत में इस मामले को जैसे तैसे रफा दफा कर लिया जाएगा, बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी बातें होंगी, ठीक, लेकिन मीडिया इसको इस मामले को ठंडे बस्ते में नहीं जाने देगा। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर बात करूं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस पर बात करूं, कितने सख्त कानून है वहां पर, क्या हो जाता है जो भारत में नहीं हो पाता? कानून को लेकर तो हमारे भी कानून काफी सख्त है, इश्यू आता है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। जैसा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, ऐसे ही केस कुछ आए थे कुछ बैंक्स का, अमेरिका में हुआ था, जहां की गवर्नमेंट ने जब ये नोटिस में आते हुए काफी स्ट्रांग स्टेप लिए थे, अक्यूज आइडेंटिफाइड भी नहीं हुए थे उस समय, उनके लिए स्पेशल लॉज लाके वारंट इश्यू किए गए थे। और क्या ऐसा अपने देश में हो सकता है? फिर वो क्वेश्चन आ जाता पॉलिटिकल विल की कमी पे। 10-15 सालों से हम लोग ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, ब्लैक मनी आ रहा है जा रहा है, सारी बातें हो रही, रिसर्च भी चुनाव में तो ज्यादा होता है। चुनाव में 2004 में भी काफी बातें हुई थी काले धन को लेके, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है, ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की। इसमें अगर बात को आगे बढ़ाएंगे, चुनाव में किस तरीके से इन पैसों का इस्तेमाल होता है, कहां डाइवर्जन होता है, बाहर से पैसा हवाला के जरिए ज्यादा आता है या यहां देश से पैसा बाहर जाता है, ऐसा ना कोई स्टडी हमारे हिसाब से तो कोई ऐसी स्टडी नहीं होगी, तो हम इस पे कमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल इतना नहीं होगा। लेकिन बट जो परसेप्शन रहता है, जो परसेप्शन की बात होती है या लोगों की बात होती है, उस बेसिस पर मैं ये जरूर कहूंगा कि दोनों तरफ से वो पैसे आते हैं और ये बहुत ही अच्छा रूट और मीडियम बन जाता है इलेक्शन उन पैसों को लगाने के लिए, अदर सेक्टर्स में लगाने के बजाय इलेक्शन टाइम में। ठीक है, दरबार गांगुली जी, ये आपसे एक छोटा सा कमेंट जानना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि आईटी विभाग से बात हुई है, नाम क्यों नहीं लीक कर रहे हैं? कौन से ऐसे बड़े नाम है जो इतना लीक हो जाएंगे तो खतरे की स्थिति पैदा हो जाएगी? ट्रांसपेरेंसी का दौर है, लीक होने दीजिए, कार्रवाई करेगी कांग्रेस? देखिए, बात खतरे का नहीं है, बात खतरे का नहीं है। हमारा सूत्र के मुताबिक हमारे पास सब नाम भी है और काफी डिटेल्स भी है उसका, थोड़ा बहुत डिटेल्स हम लोगों ने अपना स्टोरी में भी लिखा है, आप लोग भी बहुत डिटेल्स में इसको दिखा रहे हैं। बात यह है कि आज के देश का जो डिफेमेशन लॉ है उसके हिसाब से कोई भी आरोप अगर किसी के नाम पे हम लगाए जी और उन्होंने हमारा खिलाफ डिफेमेशन केस करे, सारी डॉक्यूमेंट्स में वो एलिगेशन का पुष्टि होना चाहिए जी। मैं डर नहीं रहा हूं, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि मिस्टर पी चिदम्बरम हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, मेरे पास इन्फॉर्मेशन के मुताबिक he is personally monitoring the investigation. Okay. He should hold a press conference and tell the whole country what is the progress of this investigation so far. एक जवाब तो उनको अभी देना पड़ेगा कि 15 फरवरी कम से कम
फरवरी महीने के शुरू में जो रेड छापा मारा गया है जी, अढ़ाई तीन महीने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास क्यों नहीं भेजा गया है मनी लॉन्ड्रिंग एस्पेक्ट प्रोब करने के लिए जी। नंबर टू, जितने लोगों का नाम आया है, जितने लोगों का टेलीफोन कन्वर्सेशन पाया गया है, उनमें जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, एक भी पॉलिटिशियन, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग, एक भी पॉलिटिशियन, एक भी पॉलिटिकल सेक्रेटरी को इनकम टैक्स अभी तक फॉर्मली एग्जामिन नहीं किया है। ये तथ्य वेरी क्लियरली इस देश का एक नया चीज हो रहा है कि सच को कभी सच को लीगली कभी प्रूव ही नहीं कर पाया कोई, एक अजीब सा सिचुएशन। दबाव है सरकार का, इस तरह का दबाव है। लेकिन भ्रष्टाचार और घोटाले के इस दौर में जहां बीजेपी बदलाव की बात कर रही है, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका किस तरीके से, जिसे सत्ता का अभ्यास करना है, सतीश माना जी आप कैसे निभाएंगे, किस तरीके से आप जैसे आशुतोष जी बात कर रहे थे, यूनानिमस कंसेंट होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जानेंगे ब्रेक के बाद। फॉरन लौट रहे कुछ दिनों बाद पानी के लिए इतनी दूर आकर पैर नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। क्यूरी तेरे ससुराल से डोली आने वाली है क्या? दत्त, पानी हमारे पास आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सही बात, मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। एक तूफान खत्म तो दूसरा शुरू मेरी जान। कैसा चल रहा है चाचा? सब ऊपर वाले की। अरे चाचा तूफानी दे दो, फ्लाइट पकड़नी है, जाओ तूफान शुरू करो, बस ढक्कन ही तो हटाना है। पानी ये तो परमात्मा का प्रसाद है, पानी पारस की तरह होता है, पानी के स्पर्श से सोना पड़ता है, और इसलिए उस पानी का हम महात्मा समझे, उस पानी पर बल दें, मेरे किसान को बल मिल जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। हर रास्ता मुश्किल होता है, उसे आसान लक बनाता है। लक्स कोसी, अपना लक पहन के चलो। ओए पुत्र चल इधर, ओए पैर दबा। सिर्फ एवरेस्ट छोले मसाला में है 25 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। बहु छोले, बहु देखना अपना पुत्र एक दिन तेंदुलकर बनेगा। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। अपना ये मेला स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। इंटर पास छात्राएं कन्या विद्याधन योजना की मदद से आगे पढ़ रही हैं। हाई स्कूल पास युवा नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता की मदद ले रहे हैं। इंटर पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे गए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को वोट दें। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे, तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। हर पल, हर दिन, हर मौसम में आपको मिलेगा ताजा रसीले आमों का मजा, इसीलिए तो इसे कहते हैं हर मौसम आम। माजा, हर मौसम आम। रिलैक्स तो है फैशन, चलना ही है तो स्टाइल से चलो यार, माँ कसम मैं भी पहनता हूँ। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज।
चल, ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल, सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या, ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। अर्जुन खड़े हो, चलो दीवार पर निबंध सुना। मैम दीवार मैम दो प्रकार की होती है, अच्छी दीवार और मैम बुरी दीवार। जरा सही सही एक्सप्लेन करो। मैम मेरा एक फ्रेंड है इकबाल, जो मैम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन मैम अब वो मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलता। ताऊ जी कहते हैं कि उसके मेरे बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है जो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तोड़ देनी चाहिए वो दीवारें जो हम में दरारें पैदा करें, और मजबूत दीवारों के लिए सिर्फ अंबुजा सीमेंट। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। अब जाके सरकार से बातचीत का बुलावा आया है, पर हम अपनी मांगों से नहीं हटेंगे। अपना सपोर्ट दिखाने के लिए मैं भी भूख हड़ताल अगले महीने से करूंगा, अभी मेरा बुलावा आया है। बाकी बुलावा धरा रह जाएगा जब मैच और सिक्स पर पेप्सी आईपीएल का बुलावा आएगा। वाजपेयी जी का जो सपना है उसको हमें पूरा करना है, नदियों को जोड़ना है, जहां बाढ़ है उसे भी बचाना है, जहां सूखा है उसे ही बचाना है, तो हमारे देश का किसान बच जाएगा, हमारा गांव बच जाएगा, समृद्धि नदियों के साथ अपने आप आनेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। पानी ये तो परमात्मा का प्रसाद है, पानी पारस की तरह होता है, पानी के स्पर्श से सोना पड़ता है, और इसलिए उस पानी का हम महात्म्य समझे, उस पानी पर बल दें, मेरे किसान को बल मिल जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। वोटर्स अवेयरनेस, वोटर्स एजुकेशन, वोटर्स पार्टिसिपेशन, ये जो कमीशन ने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है इन सालों में, उसमें जी मीडिया ने जो एक दायित्व निभाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वोट आपकी ताकत, अजीम मीडिया इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव से जुड़ी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें vote.zeenews.com। आप देख रहे हैं ऑपरेशन हवाला फॉलो अप। हमारे साथ स्टूडियो में हैं अजय वर्मा, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और आशुतोष मिश्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के, और दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं दरबार गांगुली, एडिटर मिलेनियम पोस्ट के, और कानपुर से सतीश महाना हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। अब तक ये जो चार गेस्ट ने जितनी भी बातें कही, कांग्रेस ने बोला कि भाई नाम साझा करिए हम कार्रवाई करेंगे, ट्रांसपेर इंटरनेशनल मान रहा है कि बहुत बड़ा हवाला कारोबार होता है, और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की बात करें वहां पर इसको होने ही नहीं दिया जाता, बीच से ही जड़े काट दी जाती। वही दूसरी तरफ गांगुली साहब कह रहे हैं कि उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक चीज वो और कह रहे हैं कि चिदम्बरम इसे पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और आईटी विभाग के पास महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास आ जाएंगे। लेकिन सतीश महाना जी, सतीश जी इतने समय बाद मीडिया के सामने आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, लेकिन ये बात बताइए कि जिस तरीके से पॉलिटिकल कंसेंसस की यहां पर बात की जा रही है, तो अगर बीजेपी जो भ्रष्टाचार और घोटालों के विरुद्ध लड़ाई की बात कह रही है, इस तरीके का सियासी संरक्षण ऐसे मिल रहा है, करोड़ों बाहर जा रहा है, वो भी पॉलिटिशियन भेज रहे हैं, वो भी इस पूरे गेम में शामिल हैं, तो आपको नहीं लगता एक मजबूत विपक्ष जिसे सत्ता का अभ्यास करना है, इतने सारे, एक कुरैशी की बात करिए इतने कुरैशी होंगे आपकी जानकारी में, आपको तो बहुत जानकारी, आपको नहीं लगता है कि इस पर यूनानिमस कंसेंट बनाकर तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए, तुरंत शूट कर देना चाहिए? निहारिका जी, इसमें दो बातें, जो आदरणीय गांगुली जी ने जो बातें की और अभिषेक जी ने जो बातें की हैं, जिसमें श्रीमान पी चिदम्बरम जी स्वयं इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और आप सवेरे से इस बात को दिखा रहे हैं, चिदम्बरम जी का एक भी बयान इसके विरोध में नहीं आया कि जो भी बात हो रही है वो गलत है, जिससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उनकी जानकारी में है कि ये कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस की बात है, तो पॉलिटिकल कंसेंसस कैसे हो सकती है? एक कांग्रेस की सरकार है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, एक के बाद एक घोटाले का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए,
तो अगर वो भी इस मन के हो कि नहीं होना चाहिए तब तो किया जा सकता है। वो बोलते कुछ हैं, उनके सारे के सारे घोटाले सामने हैं, वो हमारे साथ कंसेंसस में आएंगे क्या कि ये नहीं होने चाहिए? फिर वही बात करें जा रहे लोग और पकड़ने वाले लोग दोनों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, खड़े नहीं हो सकते महाना जी? सवाल बात हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिए। मेरी बात हो जाने फिर आप अपनी बात कहिएगा, फिर मैं उसका भी जवाब दूंगा। मेरी बात हो जाने दीजिए, फिर आपकी बात होगी उसका भी मैं जवाब। मैं इसी को कह रहा हूँ कि आपको भ्रष्टाचार दिखता है। गुजरात में अडानी समूह की संपत्ति कितने समय में 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ बन गई। गुजरात का भ्रष्टाचार अडानी समूह का एक आदमी इतना बड़ा बन जाता है, उसकी आपको नहीं दिख रहा है? डिबेट नहीं हो रही है। अडानी समूह अगर इतना बड़ा बन जाता, उसके बारे में जब आप बात करेंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके ऊपर थोड़ी बात रुके, मैं अडानी समूह के बारे में जिस समय आप हर बार कह देते हैं कि भ्रष्टाचार, मैं जिस समय आप आज जिसके ऊपर डिबेट हो रही, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपको पेशेंस रखना चाहिए। इस मुद्दे को आप कितना आगे जोर शोर से उठाने जा रहे हैं बताइए, क्योंकि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर का भी देखिए, आपने एक बात कही निहारिका जी और अजीत जी, आपने एक बात कही है, आप दोनों ने एक बात कही है कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और वर्तमान में जो सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करने, नाम उजागर करने चाहिए। अब तो ये नाम उजागर करने की स्थिति में शुरू से नहीं थे, तो अब क्या होंगे? जिस समय चली चला की इस बारे में पूछते हैं जिन्होंने इस मामले पर अपना अध्ययन किया है। दरबार जी, आपको क्या लगता है ये मुद्दा किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? आगे क्या इसका हल निकलता दिख रहा है आपको, दरबार साहब? देखिए, मेरे को लगता है कि अभी तो ऑलमोस्ट सरकार का लास्ट डेज हैज कम, तो ये सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा डायरेक्शन मेरे को नहीं लगता है इनकम टैक्स दफ्तर को दिया जाएगा जी। लेकिन मेरा जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जी, वो बहुत सारे बहुत ही ऑनेस्ट एंड क्लीन ऑफिसर्स माना जाता है इनकम टैक्स दफ्तर का, और इनका जो एक्चुअल फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन कैनॉट बी डन बाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं, वही फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन जो है वो अंजाम तक पहुंच पाएगा या फिर बीजेपी की कोई सरकार आएगी, अगर आएगी तो वो इसे आगे बढ़ा पाएगी? करप्शन, मैं दरवाजे जी से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? उसको देखेंगे हम, प्लीज। बिल्कुल, तमाम ऐसे प्रश्न चिन्ह हैं जो इस पूरे मामले से सामने खड़े होकर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस बीजेपी दोनों ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी और उम्मीद करते हैं कि इस बेहद संवेदनशील मसले पर एक यूनानिमस कंसेंट बनाइए, तुरंत कार्रवाई करिए, क्योंकि देश को गर्त में ले जाएगा जिस तरीके से एक कंसेंस प्रतिबद्धता की बात। अगर मॉनिटर करेंगे तभी इसका सही फैसला आ सकता है। ठीक है, आप सभी सम्मानित अतिथि हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी मौसम है और ऐसे अजीत एक कुरैशी का नाम आया, ऐसे कितने कुरैशी होंगे जिनको सियासी संरक्षण मिला होगा? इस तरह का हवाला कारोबार लगातार सामने आता रहा है और इन सब पर उसी तरीके से रोक लगाने की जरूरत है। जैसे ही ये मामला खुलकर सामने आया है, अगर एक सख्ती से इस पर कार्रवाई होगी तो और भी इस तरह के जो भी मामले होंगे उस पर भी जाहिर तौर पर रोक लगेगी, और इसलिए बेहद जरूरी है इस पर सख्त कार्रवाई। बिल्कुल, अब भारत नजीर पेश कर देगा अगर इस पर कार्रवाई हुई, क्योंकि भारत भ्रष्टाचार घोटालों के कारण जाना जाता है, अब ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाएगा। उम्मीद है कि पॉलिटिशियंस इस पर ध्यान दें। आगे देखिए अपडेट है 9। नमस्कार। खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जीता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। उफ, डैंड्रफ, झड़ते बाल, इचिंग स्कैल्प, नीड एन एक्सपर्ट। बालों के 90% प्रॉब्लम्स का सलूशन है हबीब हर्बल हेयर ऑयल। हबीब हर्बल हेयर ऑयल, एक्सपर्ट एंटी फंगल हेयर नरिशिंग ऑयल।